गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट होम. माई सेल्फ आकृति परीख, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर. लेट्स स्टार्ट टूडे सेशन. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू ड्रॉइंग इन अवर ड्रॉइंग बुक. तो आज का टॉपिक है बोट. हम बोट, ये वाली जो हमारी प्लेन A4 साइज ड्रॉइंग बुक है, उसमें हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अपनी ड्रॉइंग बुक ले लो, पेंसिल, इरेजर, सब मटेरियल ले लो और शुरू करते हैं ड्रॉइंग करना. ठीक है, तो फर्स्ट राइट डाउन डेट. टूडेज डेट इज 5/9/20. द हेडिंग इज बोट. ओके, आपको पेंसिल से ही लिखना है. तो चलो पहले क्या करना है, आपको दो स्ट्रेट लाइन करनी है. स्केल यूज नहीं करना है आपको, ट्राई करना हाथ से ही. ऐसे दो स्ट्रेट लाइन करनी है आपको, पेज में सेंटर में ही ऐसे लाइन करनी है. ठीक है, फिर यहां से ऐसे कर्व कर देना है आपको. कॉर्नर से कर्व कर देंगे तो दोनों लाइन जॉइंट हो जाएगी. ठीक है, अब ये जो नीचे का पोर्शन है वहां पर ऐसे क्रॉस लाइन करेंगे. तो ये बोट का शेप हमारा हो रहा है. ठीक है, आधा तक ही करना है और नीचे हम क्या करेंगे, पानी बनाएंगे. ठीक है, फिर पानी के ड्रॉप्स होते हैं ना थोड़े थोड़े आजू बाजू, वो हम ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ये पानी हमारा हो गया. अभी बोट का ऊपर का पोर्शन ड्रॉ करेंगे. उसके लिए भी क्या करना है, ये जो दो लाइन हमने की थी वैसे ही दो लाइन यहाँ पर ऊपर करना है. थोड़ी लंबी करना, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है आपको, और एकदम लाइट ड्राइंग करना है. बिल्कुल भी पेंसिल पे प्रेस करके नहीं करना है, एकदम लाइट करना है हल्के हाथ से, और ऊपर भी ऐसे कर्व करके उसको जॉइंट कर देना है. ठीक है, अभी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ऐसा कर्व देना है दोनों साइड से. ओके, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा. फिर यहाँ से भी कर्व लाइन ये वाले पोर्शन तक. ओके, और ये पॉइंट और ये पॉइंट अभी हमें जॉइंट करना है. ओके, तो हमारी बोट रेडी हो गई है. अभी ये वाला जो पूरा पोर्शन है वहां हम थोड़ी डिजाइन जैसा करेंगे. ठीक है, क्या करना है आपको, पहले एक बड़ा सा सर्कल करना है यहाँ पर सेंटर में. ओके, एक सर्कल यहां पर और दूसरा यहां पर, एकदम लाइट ड्रॉ करना है आपको. ठीक है, बिल्कुल भी डार्क ड्रॉ नहीं करना है आपको. ठीक है, तो हमारी बोट रेडी हो गई है. अगर ऊपर आपको फ्लैग ड्रॉ करना है तो आप फ्लैग भी ड्रॉ कर सकते हो. ये ऊपर का जो पूरा पोर्शन है वो स्काई का पोर्शन है, तो उसमें हम क्या बनाएंगे, कॉर्नर पे यहाँ पर एक सन बनाएंगे. छोटा सा ही करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, हाथ से ही करना है आपको. स्केल वो कोई भी मटेरियल आपको यूज नहीं करना है. ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्लाउड बनाएंगे, छोटे छोटे ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे. ओके, फिर स्काई में बर्ड्स भी होते हैं ना, तो ऐसे वी शेप, छोटा सा वी शेप जैसा करके हम बर्ड बनाएंगे. एकदम छोटा छोटा ही करना है, ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं. ठीक है, तो हमारी पूरी बोट का ये ड्राइंग रेडी हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम उसको क्या करेंगे, ब्लैक स्केच पेन से उसके ऊपर बॉर्डर करेंगे.
तो जहां पर पेंसिल की लाइन है उसके ऊपर ही आपकी ब्लैक स्केच पेन से लाइन आनी चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से और हल्के हाथ से आपको ये करना है, बिल्कुल भी पेज गंदा नहीं हो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमारा ड्राइंग ये स्केच पेन से हो गया है, अभी हम क्या करेंगे उसको कलर करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन नहीं है तो आप ब्लैक क्रेयॉन्स कलर से भी उसको बॉर्डर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अपना कलर बॉक्स निकालो और पहले हम कलर टिक कर लेते हैं कि कहाँ कौन सा कलर करना है, ठीक है। फर्स्ट वी विल टेक बोट, बोट में कौन सा कलर करेंगे हम, ब्राउन कलर। जो ब्राउन कलर है, जो स्ट्रेट लाइन है वहां पर हम ब्राउन कलर करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। अभी सिर्फ आपको टिक कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्लैग में कौन सा कलर आएगा, यस रेड कलर। तो यहाँ पर हम फ्लैग में रेड कलर करेंगे और वही रेड कलर जो बोट का एक साइड का जो पोर्शन है वहां पर हम करेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड का जो पोर्शन है वहां पर हम लेंगे डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सर्कल्स है बोट में, तीन सर्कल्स है, ठीक है, वहां पर हम कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर। तीनों सर्कल में हम ब्लू कलर करेंगे और सर्कल के बाहर जो बोट का पार्ट है वहां पर हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पानी कौन से कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर से। तो ये पानी का पूरा जो पोर्शन है वहां पर हम स्काई ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। और ये जो वेव्स जैसा बना है ना, पानी के ड्रॉप्स जैसा लग रहा है, वहां पर हम पर्पल कलर करेंगे, ठीक है। तो वहां पर पर्पल कलर से आपको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्लाउड, हाँ क्लाउड भी हम ब्लू कलर से करेंगे। आप डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, कोई भी ब्लू का शेड ले सकते हो। और सन कौन से कलर से करेंगे हम, सन ऑरेंज कलर से करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो हम येलो कलर से करेंगे, इसीलिए सन में मैंने ऑरेंज कलर लिया है, ठीक है। तो चलो अभी हम कलरिंग करना शुरू करते हैं। अभी ये पानी का पोर्शन है वहां पर हम स्काई ब्लू कलर करेंगे। पूरे ड्राइंग में पहले आपको बॉर्डर करना है, उसके बाद ही अच्छे से कलरिंग करना शुरू करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी ऑब्जेक्ट में आप कलर कर रहे हो वो सारे कलर आपको डार्क कलर करना है, और जो बैकग्राउंड का पोर्शन है वहां पर आपको लाइट कलर करना है। जैसे कि येल्लो कलर किया है हमने, ये स्काई ब्लू है, वो लाइट करना है। बैकग्राउंड हमेशा लाइट कलर से करना है,
और जो ऑब्जेक्ट की चीजें हैं वहां पर हमेशा डार्क कलर करना है आपको, ठीक है। कलर आपको दूसरे लेने हैं बोट में तो भी आप कलर दूसरे यूज कर सकते हो, उसका कोई भी इश्यू नहीं है, पर डार्क लाइट थोड़ा कलर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलो अभी हमारा पानी हो गया, अभी हम क्या करेंगे, पर्पल कलर से उसके अंदर वेव्स बनाएंगे। वेव्स कैसे बनाएंगे, ऐसे आपको थोड़ा सा कर्व जैसा करना है, डायरेक्ट कलर से ही करना है, ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है आपको, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये ड्राइंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप यू ऑल एंजॉय दिस ड्राइंग सेशन, सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।